10 साल पहले निंजा नेक्सस प्रिज्म आसमान से नीचे गिरा था हमारे बैकयार्ड में। डैड ने कहा था उसके हमारे पास आने की एक वजह थी। उन्होंने उसकी मेटालिक परत निकाली। प्रिज्म के अंदर था अनोखा निंजा नेक्सस स्टार। ना जाने कैसे पर डैड उस सॉलिड प्रिज्म में हाथ डालकर उसे बाहर निकाल पाए। उन्हें उसकी बेशुमार ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। मैं बाहर ट्रेनिंग कर रहा था जब एक मॉन्स्टर आया और सब कुछ बदल गया। ब्रोडी मुसीबत में है, जाकर इस निंजा स्टील को कहीं छिपा दो। एडन, मेरे वापस आने तक तुम छिपे रहना एक निंजा की तरह। ठीक है डैड। और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे भाई को बचा लूंगा। आई लव यू। आई लव यू टू डैड। तो तुम हो निंजा मास्टर। ब्रोडी को छोड़ दो। जरूर, वैसे भी तुम फिर चुके हो। अब निंजा नेक्सस स्टार को मेरे हवाले करो। आप उसे वो नहीं दे सकते डैड। उसके पास और कोई चारा नहीं। क्या कहानी सच्ची है? ये एक पावर रेंजर बन गया है। ब्रोडी, दूर हटो। वो स्टार मुझे दे दो। कभी नहीं। तुम मेरे साथ चल रहे हो छोटे बच्चे। ब्रोडी, मेरे बेटे से दूर हट जाओ। यस, निंजा नेक्सस स्टार मेरा हुआ। अब इसकी पूरी ताकत सोखते ही मैं ब्रह्मांड पर राज करूंगा। निंजा नेक्सस स्टार तो आपको अमर बना देगा। वो स्टार मेरे पास आया था ताकि मैं उसे बचा सकूं तुम जैसे शैतान से। मेरे डैड जैसे हवा में गायब हो गए और उनकी जगह किसी तरह आ गया निंजा नेक्सस प्रिज्म। उसके अंदर मैंने टूटे हुए स्टार के टुकड़ों को 6 निंजा पावर स्टार्स में बदलते हुए देखा। हट जाओ, वो मेरे हैं। ये तो नहीं टू
टूट रहा। मैं उन स्टार्स को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ निकालूंगा और ऐसा होते ही पूरा ब्रह्मांड मेरे आगे घुटने टेकेगा। विजम को शिप में ले आओ और उस बदमाश को कैद कर लो। अब तुम गैल्वन एक्स के कैदी हो छोटे बच्चे। ब्रूडी, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ रेडबॉट। तुम वो दिन याद कर रहे थे ना जब तुमने अपने डैड को खोया था? 10 साल हो गए पर कल ही की बात लगती है। फिक्र मत करो, एक दिन हम तुम्हारे ग्रह पर वापस जाकर तुम्हारे भाई एडन को ढूंढ लेंगे। जाने से याद आया, अब यहाँ से निकलने का प्लान बनाने का वक्त आ गया है। ब्रोडी, हम एक स्पेसशिप पर हैं। हम बाहर निकल कर जाएंगे कहाँ? ये तुम बताओ। हे, मैकेनिकल जीनियस तो तुम हो। वो तो मैं। रिपकॉन आ गया। छिप जाओ। हे, तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? ओह डियर, कुछ भी नहीं मास्टर रिपकॉन। हम तो बस पुराना सामान कचरे में डाल रहे थे। कचरे में तो तुम्हें डाल देना चाहिए। मैं बस रेडबॉट को मेरा एक नया निंजा मूव दिखा रहा था। निंजा तेज और फुर्तीले होते हैं। तुम कोई निंजा नहीं हो। हे, देखो। क्या है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। उसे मुझे दो। शायद तुम एक निंजा हो पर तुम्हारे डैड एक निंजा मास्टर थे और देखो उससे उनका क्या अंजाम हुआ। सुनो कैदियो, प्रिज्म को स्टेज पर ले जाओ, शो शुरू होने ही वाला है। जी मैडम ओडियस, बस अभी लीजिए। चलो ब्रोडी, प्लीज चलो, चलते हैं। पूरे ब्रह्मांड से आए हुए लेडीज एंड जेंटल मॉन्स्टर्स, आपका स्वागत है वॉरियर डो में। अब शुरू होने जा रहा है एपिसोड गैलेक्सी वॉरियर्स का। सबसे तगड़े हुंकार और बदबूदार मॉन्स्टर्स पूरे ब्रह्मांड के होंगे मेरे यानी कॉस्मो रॉयल के साथ। जीतने वाले को मिलेगा एक मौका एक अद्भुत निंजा पावर स्टार को बाहर निकालकर बनने का एक अल्टीमेट चैंपियन गैल्वन एक्स जैसा। तो पेश है एक्सटेंड सिस्टम से लेवेगोर और कोरवा का मॉक्सिंग गैलेक्सी का बेताज चैंपियन। चलो मुकाबला शुरू किया जाए। जाओ बस गैम्स जाओ। चलो जल्दी मॉनिटर्स एक्टिवेट करो, एक नंबर के निकम्मे सिपाहियों। के मुताबिक कुछ वॉरियर्स प्रिज्म में अपना हाथ डालकर एक निंजा पावर स्टार को बाहर निकाल सकते हैं। क्या कुरवा का ये कर पाएगा? मैं ये कर लूंगा। मैंने कर दिया, मेरा हाथ प्रिज्म में है। लिए अफसोस है पर तुम कुछ जीते तो हो। हॉस्पिटल में कुछ वक्त का आराम। 10 साल और अब तक कोई एक भी पावर स्टार बाहर नहीं निकाल पाया। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। उन स्टार्स को बाहर निकालने का कोई तो तरीका होगा। आप नए स्टार्स बना सकते हैं। नए स्टार्स बनाना ये नामुमकिन है। आप मैडम ओडियस पर भरोसा मत कीजिए चैम। कैसे? मेरे जासूसों ने पता लगाया है कि जब प्रिज्म पृथ्वी पर गिरा था तब उस पर निंजा स्टील की एक परत थी जिसे पिघला कर नए पावर स्टार्स बनाए जा सकते हैं। पृथ्वी का रुख करो, हमें वो स्टील हासिल करना होगा। ठीक है। वो तुम्हारे डैड को मिले हुए स्टील को लाने जा रहे हैं। हमें उन्हें रोकना होगा। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है?
मुझे नहीं पता, पर मेरे भाई एडन को पता होगा। हमें इस शिप से निकलना होगा। रुक जाओ एक मिनट। वुप्स यार। ओ, मैं कुछ देर में एक मैजिक शो करने वाला हूँ। अब ट्राई करो। स्टार्ट हो गया। रास्ते से हटो। सॉरी, माफ करना। वो मैं एक मैजिक शो करने वाला हूँ, अगर तुम आकर देखना चाहो तो। थैंक्स, मैं कोशिश करूंगी। शिप पृथ्वी ग्रह के पास पहुंच गई है। सारे कैदी सिक्योरिटी को रिपोर्ट करें। अरे वाह, तुम नेक्सस प्रिज्म ले आए। बिल्कुल। और मैं एक स्पेस क्रूजर की चाबियां ले आया। देखा ना, इस टिन के डिब्बे से बाहर निकलना बहुत ही आसान हो। क्या कोई दूसरा प्लान है? हाँ है, पर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। चलो। मेरे प्यारे साइकिल्स, ये लो, एंजॉय। हाय हाय, मैं हूँ मॉन्टी। मैं सारा। तुमसे मिलकर अच्छा। लड़की को परेशान करना बंद करो मॉन्टी। मेरा होमवर्क हो गया? हो गया विक्टर। मैं हूँ विक्टर विंसेंट। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ सारा। तुमने तो पहचान ही लिया होगा कि मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ। नहीं, आई एम सॉरी, एक्चुअली आज मेरा पहला दिन है। पहला दिन? वेल, अब तुम मेरा नाम जान गई हो। ओके। और अगर कभी उसे भूल जाओ तो बस इन ट्रॉफीज को देख लेना, क्योंकि मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पड़ी हर एक ट्रॉफी पर। डेन रोमेरो? लगभग हर एक पर। तो हम दोनों की हॉबी एक ही है। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता तुम्हें ये करना चाहिए। विक्टर कुछ भी कर सकता है। अब देखो विक्टर का कमाल। सामने से हटो। और अब मैं प्रेस्टो चिंगो सबके सामने बन जाऊंगा एक ड्रैगन। हट जाओ, सामने से हटो। हट जाओ। कुछ दिख नहीं रहा। थैंक्स अ लॉट विक्टर, तुमने मेरा शो बर्बाद कर दिया। तुम्हारे हवा बोट को एडजस्टमेंट की जरूरत है। एडजस्टमेंट की जरूरत तो तुम्हारे दिमाग को है। और देखो तुमने इस लड़के के मैजिक शो का क्या हाल किया। तुम्हें इससे माफी मांगनी चाहिए। माफी? यकीन मानो आज पहली बार किसी ने इसका मैजिक शो इतना एंजॉय किया होगा। तुम भी ना। आई एम सो सॉरी इस सब के लिए। इट्स ओके, वैसे वो सही था। मेरी उस ट्रिक को भूलना आसान नहीं होगा। वैसे अब तुम्हारा हवा बोट ठीक है ना? ये ठीक है। मैंने इसे एक फ्रेट ट्रेन जितना मजबूत बनाया है और उतना ही तेज। चलो मैं सफाई करने में मदद करती हूँ। थैंक्स। जल्दी करो, उन्हें प्रिज्म चुराना बहुत ही भारी पड़ेगा। वहीं रुक जाओ बदमाशों। मैंने कहा था तुम्हें एक निंजा से नहीं उलझना चाहिए। मैं तुम्हें बचाऊंगा। जेट पूछ ऑन हो जाओ।
वजन बहुत ज्यादा है, उड़ना मुश्किल है। रॉक क्लाइंबिंग के लिए तैयार हो जाओ। मुझे कोई नर्म चीज में बदलना होगा। और एक दिन मैं दुनिया का सबसे अच्छा जादूगर बनकर रहूंगा। गुड, बड़ा अच्छा सपना है। मेरा सपना है अपने हवा बोर्ड पर एक स्पीड रिकॉर्ड बनाना। तुम्हें क्या लगता है वो क्या है? मुझे नहीं पता, पर मैं पता लगा कर रहूंगी। पागल हूँ क्या? हो सकता है कि वो खतरनाक हो या फिर रेडियो एक्टिव, या शायद एक यूएफओ। ऐसा हुआ तो कमाल हो जाएगा। अच्छा रुको, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकती हो? चलो आ जाओ। पकड़े रहना मिस्टर जादूगर। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरा प्रिज्म चुराने की? जल्दी जाओ, मेरे लिए वो प्रिज्म और निंजा स्टील दोनों ले आओ। अगर नहीं लाए तो समझो तुम्हारी खैर नहीं। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मास्टर ब्रोडी, मुझे मदद की जरूरत है। रेडबॉट, तुम ठीक तो हो दोस्त? शुक्र है कि मेरे सभी कोर सिस्टम्स चल रहे हैं। तुमने मुझे बचाया, थैंक्स दोस्त। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, आखिरकार हम आजाद हो गए। तो ये है पृथ्वी? यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला है, बहुत ही हरी है। मिक, तुम कहाँ हो? उम्मीद है वो ठीक होगा। मैं नेक्सस प्रिज्म को छिपाता हूँ, तुम आसपास मेक की तलाश करो। हाँ ब्रोडी, अभी करता हूँ। सरप्राइज! क्या तुम्हें वाकई लगा था तुम नेक्सस प्रिज्म को चुरा लोगे? ये गैल्वनेक्स की जागीर है। कंप्यूटर, यस, मैं अभी शिप के कंप्यूटर से कनेक्टेड हूँ। मैं इस मॉन्स्टर को कैसे हरा हूँ? कुर्वाका को अकेले नहीं हरा सकते। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा अंत आ गया। हे बंधो! देखा, मैंने कहा था ना वो कोई कॉस्ट्यूम नहीं है। तो आखिर वो है क्या? मुझे नहीं लगता वो इस दुनिया से है। तुमने तो मेरी जान बचा ली, थैंक्स। ठीक है, पर तुम कौन हो और वो चीज तुम्हारा पीछा क्यों कर रही है? सवाल तो बहुत अच्छे हैं, पर अभी जवाब देने का वक्त नहीं है। मेरा सर चकरा रहा है। वो क्या है? वो निंजा पावर स्टार्स हैं। वो चमक रहा है जैसे नेक्सस स्टार चमका था 10 साल पहले, मेरे डैड के उसे बाहर निकालने से पहले। यकीन नहीं हो रहा। कमाल है। ये मैंने कैसे कर दिया? क्या हो रहा है? जरा मुझे याद करने दो। वो चीज हमारे बैकयार्ड में गिरी थी और मेरे डैड ने उसमें से एक स्टार निकाला था, बिल्कुल हमारी तरह। वो किसी तरह के निंजा सुपर हीरो बन गए थे। उन मॉन्स्टर्स ने उनको कहा था एक पावर रेंजर। एक पावर रेंजर? मैं जो करता हूँ वैसा करो और शायद हम इसमें से बचकर निकल जाएं। चलो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ शायद। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक मिनट, वो गैल्वनेक्स का निंजा पावर स्टार्स है, उन्हें वापस करो। गाइस, जो मैंने किया वो करो। ये तो जादू है, शायद इसमें मजा आने वाला है।
अब तैयार हो जाओ। उनका नाम और निशान मिट गया होगा। क्या बात है, ये तो किसी तरह का जादुई ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या ताकत महसूस कर रही हूँ, जैसे कि मुझमें 10 फ्रेट ट्रेन्स की ताकत आ गई हो। कमाल हो गया, हम बन गए हैं पावर रेंजर्स। पावर रेंजर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें तबाह तो होना ही है। चलो किस्सा खत्म करें। हथियार के साथ मैं एक निंजा स्टार जैसा फील कर रही हूँ। आज से हम इन्हें कहेंगे निंजा स्टार ब्लेड्स। अब तुम गए गंदी सांस वाले। हाँ, तुम ब्रश करके नहीं आए ना। सही कहा। अच्छा हुआ हम यहाँ हैं। तुम मुझसे अकेले लड़ते हुए पागल हो जाते हैं। जैसा कि डेटाकॉम ने कहा था, हम ये मिलकर कर सकते हैं। गाइस, चलो अपने दूसरे हथियार आजमाएं। निंजा ब्लास्टर्स कमाल है। मैं पावर स्टार्स लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। चलो अब हो जाए निंजा ब्लास्ट। उसका तो शो खत्म हो गया। अरे वाह, बहुत अच्छे दोस्तों। ये रहे थोड़े और पत्थर, तुम्हें और चाहिए? इतने ही काफी हो जाएंगे। मैं मिक को फिर से ढूंढता हूँ। ये पत्थर प्रिज्म को छिपा हुआ रखेंगे, कम से कम जब तक मैं इसे लेने नहीं आता तब तक। तो 10 साल पहले तुम्हारे डैड के पास उनके वर्कशॉप में निंजा स्टील था, और अब ये मॉन्स्टर्स उसके पीछे हैं? सही कहा, पर मैं उस तक पहले पहुंचूंगा। मेरे स्कैनर्स अब भी कुछ नहीं दिखा रहे। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि मिक ठीक हो। कोई भी प्रिज्म को यहाँ ढूंढ नहीं पाएगा। तो अब क्या? मेरी मदद करने के लिए थैंक्स, पर रेडबॉट और मुझे अब जाना होगा। क्या अगर फिर उन मॉन्स्टर से सामना हुआ तो अकेले क्या करोगे? वो तब तो उन्हें अकेले कभी नहीं हरा पाओगे। हाँ, पर मुझे कोशिश करनी होगी। नहीं, हमें कोशिश करनी होगी, तुम ही अकेले नहीं कर सकते। इसने सही कहा, अब हम पावर रेंजर्स हैं, राइट? लगता है जैसे अब दुनिया की सुरक्षा हमारे हाथों में है। तो चलो उन बदमाशों को हराए, साथ मिलकर। साथ मिलकर, साथ मिलकर, साथ मिलकर। ठीक है, तो हम पहले कहाँ चले? आसान है, मेरे पुराने घर पर। निंजा स्टील वहीं पर है। मैं तो बस अपने भाई एडन से मिलना चाहता हूँ। ये क्या? ओ, क्या ये जादू है या वो जिंदा है? मैं तो कहती हूँ दोनों। वो कहाँ गया होगा? मुझे नहीं पता, पर अब भी उसके अंदर 3 निंजा पावर स्टार्स हैं।